हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 इंग्लिश सिलेक्टिव 29 फरवरी को आप सभी बच्चों को पेपर है, आप सभी बच्चों का पेपर है। देखिए, जितना भी बुक पार्ट से एमसीक्यू होगा वो कंप्लीट हो गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो गया था। एक सेक्शन बच गया था जो कि आपका पैसेज सेक्शन, कि जो जो इम्पोर्टेंट पैसेज से सवाल बन सकते हैं या फिर आप पैसेज को कैसे करके देखिए सॉल्व करिएगा पेपर में अगर आपके पास आएगा, तो ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि पैसेज से 5 नंबर, ग्रामर सेक्शन से 5 नंबर मान के चलते चलिए 10 नंबर, तो लगभग 10 नंबर का सवाल अगर आ जाता आप लोग तो क्या करिएगा। तो इसलिए मैं आपसे बच्चों यहाँ पर पैसेज सिखाने आया हूँ कि पैसेज किस प्रकार आएगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। देखिए, सबसे पहला सवाल आपसे बच्चों से पूछा हुआ है, आपको यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाम किसका दिख रहा है? एडवर्ड जेनर। आपने बचपन में पढ़ा होगा चेचक का टीका, जिसे आप लोग पॉक्स कहते हैं, कोई स्मॉल पॉक्स, कोई छोटी माता, कोई बड़ी माता कह सकता है। तो एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले भाई चेचक का टीके खोज किया था। तो एडवर्ड जेनर वाज द डॉक्टर इन स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के कोई छोटे से शहर में वो डॉक्टर थे। वन डे इन 1768, एक 1768 टाइम पीरियड बताया गया कि एक विलेज गर्ल, एक गाँव से लड़की आती है जो उनको बताती है कुछ डिजीज के बारे, कुछ कंसल्ट करना चाहती है, कुछ बातचीत करना है डिजीज के बारे में। सी सेड दैट देयर वाज स्मॉल पॉक्स अबाउट, वो उसके बारे में बात करती है कुछ छोटे छोटे पॉक्स, छोटे छोटे दाने के, बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, क्योंकि वो चीज़ के बाद डर नहीं था, उसको डर नहीं था, बिकॉज सी हैड काउ पॉक्स, क्योंकि उसे पहले से ही काउ पॉक्स हो चुका था। नाउ स्मॉल पॉक्स, यानी अब जो है स्मॉल पॉक्स जो है वो एक टेरिबल डिजीज है। जैसे आपको मालूम होगा, जैसे आपको भी या बचपन कभी हुआ होगा, छोटा छोटा जो दाना होता है शरीर में, जिसके थ्रू क्या होता है, हमें 7 दिन या फिर मिनिमम 15 दिन कुछ नियम कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं। उबला हुआ खाना पड़ेगा, जमीन में सोना है, ये तमाम चीज़ें हमारे कह सकते हैं हमारे रीति रिवाज में माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे फॉलो करते हैं उस टाइम बॉडी में, आप कह सकते हैं 1 मंथ 2 मंथ तक लगभग लगभग आपके बॉडी को तेल मसाला से बहुत सारा बैंड होता है। तो स्मॉल पॉक्स उस टाइम टेरिबल डिजीज था, काउ पॉक्स जो है सीरियस नहीं था। काउ पॉक्स इज अ डिजीज, काउ पॉक्स जो होता था वो कैटल में होता था जिससे वो लोग फैमिलियर हो गए थे, जिससे उनको कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता था। द वर्ड ऑफ द गर्ल, जो इसे दिमाग में आता है जेनिफर, यानी जो कैसे एडवर्ड जाने के बाद में, कि जो कंट्री पीपल है वो मानते हैं कि काउ पॉक्स जो है एक कह सकते हैं एक वैक्सीन ग्रुप में हमें अटैक करने से बचाता है, कैसे स्मॉल पॉक्स से। एंड जेनिफर थॉट दैट देयर माइट बी कुछ ना कुछ आइडिया है ताकि हम इनको बचा सकते हैं। तो उसके बाद एवोल्यूशन करते हैं, उन्होंने क्या करता है लास्ट में चेचक का टीका खोज करते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ यहाँ सवाल पूछा गया कि आ डॉक्टर इज वन हु, एक डॉक्टर वही है जो क्या करता है, टीचर्स बॉय एंगल, क्या वो पढ़ाने काम करता? नहीं भाई, वो करें क्योर सिक पीपल, जो कह सकते हैं जो बीमार लोग हैं उनका इलाज करता। हाँ भाई, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्योर सिक पीपल। अगला है, हु वाज एडवर्ड जेनर? तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एडवर्ड जेनर क्या थे बच्चों, एक डॉक्टर थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, हु केम टू एडवर्ड टू कंसल्ट हिम अबाउट सम डिजीज, यानी कौन आता है एडवर्ड जेनर के पास ताकि जो बीमारी के बारे में, कुछ बीमारी के बारे में बातचीत कर सके। एडवर्ड्स के कलीग आते हैं या कि लड़की आती गांव से, एक नर्स आती है, स्कॉलर आती है, तो कौन आती है गांव से लड़की आती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया, काउ पॉक्स इज अ डिजीज ऑफ, काउ पॉक्स जो होता है किसको होता है, जो पेट एनिमल्स रहते हैं। देखिए, एक होता है डोमेस्टिक एनिमल, एक होता है पेट एनिमल, दोनों में अंतर याद रखिएगा, दोनों ही भाई पालतू जानवर होते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल होता है आप उसे अपने रूम में नहीं रखते, आप उसे अपने आंगन में जो रखते हैं नो डाउट नहीं रखते, लेकिन जो कह सकते हैं जो पेट एनिमल होते हैं, जैसे आप डॉग्स रख सकते हैं, कैट रखते हैं, तो ये सब के सब हमारे पेट एनिमल में काउंट होते हैं। ठीक है, तो काउ पॉक्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, अ टेरिबल डिजीज, टेरिबल डिजीज मतलब ही क्या होता है, अ डिजीज विच कैन बी क्योर डिजीज, यानी जिसको हम इलाज तुरंत संभव खोज ले, या फिर एक ऐसा बीमारी जिसको हम लोग इलाज नहीं हमारे पास कभी हो सकता, या एक डिजीज कैटल का कोई डिजीज है, या फिर एक ऐसा डिजीज जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है हमें बताना है। तो टेरिबल मतलब जो खतरनाक हो, जैसे कोविड, कोविड जब आया था तो उसका उस टाइम कोई इलाज नहीं था, 1 साल 1.5 साल लगभग वैक्सीन बनते समय लग गया, तो वो भी इस प्रकार का हमारे पास टेरिबल डिजीज, इसका इलाज जल्दी तो संभव नहीं होता हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है यहाँ पर आपसे बच्चों से पूछा हुआ है कि ही फाउंड दैट द कंट्री पीपल बिलीव दैट काउ पॉक्स एक्टेड एज ए, मतलब उस पैसे के अकॉर्डिंग बताना है, तो जो कंट्री पीपल बिलीव था जो काउ पॉक्स है एक कह सकते प्रोटेक्शन काम करता है किसके अकॉर्डिंग, तो स्मॉल पॉक्स हो जाएगा हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अब देखिए आपसे बच्चों के लिए ग्रामर सेक्शन से कुछ सवाल जो हमेशा पेपर में आएगा आपका। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट डिडन, देखिए रिपोर्टिंग जो होता है ना वो हमेशा कैसा होता है, और ये सब सवाल देखिए मैंने आपसे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था, मॉडल पेपर डिस्कस किया था, फिर कुछ एक्स्ट्रा वीडियो भी अपलोड किया था, वहां पर वो सारा का सारा डिस्कस कर दिया था। रिपोर्टिंग जो होता है किसी घटना का वो फर्स्ट हैंड होता है, थर्ड हैंड होता है, सेकेंड हैंड होता है, या फिर आपसे बच्चों को नन ऑफ दीज। और याद रखिए रिपोर्टिंग जब भी होता है वो पास्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, इमीडिएट पास्ट फॉर्म होता है, वो भी याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल इसका क्या होगा, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अच्छा हमारे पे यही सवाल लेकर रह गया था बच्चों, ठीक है, यहाँ पर पूछा हुआ आयोना से जुड़ा हुआ सवाल है, ये तो आप लोग बना ही लीजिएगा। इसमें बताना है क्या, आयोना किसके करेक्टर, चलिए बताइए आयोना इज अ करेक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा, कौन सा टिक करिए, सब सब पढ़ाया हुआ है, टिक कर लीजिएगा ना, द एलिमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास। अब अगला हमारे पास जो सवाल है वो देखते चलिए, अगला सवाल है, यही हमारे पास पैसेज दिया हुआ है और यहाँ पर पेंगुइन्स के बारे में बोला गया। पिक पेंगुइन्स वो जो बर्ड्स हैं, आपने नाम सुना होगा पेंगुइन्स, इमेज में भी देखे होंगे बचपन में से पेंगुइन्स। पेंगुइन्स वो बर्ड्स होते हैं जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है, जो कि उड़ नहीं सकते, अपने भारी वजन के कारण वो उड़ नहीं सकते। जैसा कि ऑस्ट्रिच भी होता है भाई, वो ज़्यादा नहीं पाता लेकिन हल्का उड़, पेंगुइन तो वो भी नहीं उड़ पाता। लेकिन पेंगुइन यहाँ नहीं पाए जाते, अगर बोलिएगा कि पेंगुइन क्या भारतीय में पाए जाए, नहीं पाए जाते। पेंगुइन जो होते हैं वो कोल्डेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, जो ठंडा जगह जैसे अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो पेंगुइन्स आर द बर्ड्स दैट लिव इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ब्लैक कलर के होते हैं, उनके जो स्टोमक होते हैं उनमें व्हाइट कलर का, छोटे छोटे पंख होते हैं, इनके बारे में बताया गया। छोटे छोटे उनके पैर रहते हैं, ऐसे थोप 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 करके चलते रहता है बेसिकली लोग, ठीक है, और भारी वजन के रहने पर दौड़ भी नहीं सकता, इसलिए बताया हुआ हमारे पास। उनके जो पंख रहते हैं यानी उनका जो आकार रहता है, ये इस प्रकार का हाथ निकला होता है, ये बैलेंस करता है उनको ताकि चलने में, आपने देखा भी होगा ऐसे चलता ऐसे चलता अप डाउन, एक तरफ पैर एक तरफ अप डाउन करके चलते रहते हैं। और वो लोग चलने के लिए सबसे ज़्यादा आराम कहाँ पर महसूस करते हैं, तो भाई आयस वाला जगह उनका बॉडी के लिए कंडीशन भी सही रहता है। देयर बॉडीज आर ऑल्सो वेरी गुड एट कीपिंग द, उनका बॉडी जो है उनको मेंटेन करता है ताकि उनकी गर्मी को मेंटेन कर सके। पेंगुइन्स आर वेरी गुड, पेंगुइन जो रहते हैं बहुत अच्छे स्विमर रहते हैं और वो कह सकते हैं इजीली वाटर में क्या कर सकते हैं, मूव भी करते हैं। पेंगुइन्स नीड टू बी गुड स्विमर बिकॉज दे आर, क्योंकि आपको मालूम होगा एक आपने शायद एनिमल का नाम सुना होगा सील नाम का, ठीक है, ठीक है, सील नाम का एलिमेंट होता है, वो क्या करता है वो उसको खा जाता है, ठीक है, बहुत सारा दिखा होगा अपने। व्हेन दे कैच देयर फूड दे, वो जब लोग क्या करते हैं पेंगुइन जब कैसे कोई भी फूड मिलता है टैड को क्या निगल जाते हैं। दे ऑल्सो नीड टू यूज देयर स्ट्रॉन्ग बॉडीज, वो अपने बॉडी का इस्तेमाल करते हैं ताकि सील से बच सके, शार्क से बच सके, और वरना वो भी खा जाएगा ना उसको। देयर आर लॉट्स ऑफ बहुत टाइप के कैटेगरी पेंगुइन होता है, ये सब अलग अलग हमारे पास बताया गया। और जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग कारण, ये ऑयल स्पिल के कारण, ये सब के साथ उनके जीवन में खतरा मंडरा रहा है, ये बताया गया हमारे पास, तो हमें उनको बचा के चलना है। अब पहला ही सवाल देखिए आपसे बच्चों पूछा हुआ है कि वेयर डू पेंगुइन्स लिव, तो पेंगुइन कहाँ रहते हैं बच्चों, तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि पेंगुइन जो रहते हैं वो कोल्डेस्ट पार्ट में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो ठंडे इलाके हैं यानी कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। फिर अगला सवाल है, हाउ डू पेंगुइन्स मूव अक्रॉस द आइस, जो आइस में वो मूव करते हैं किस प्रकार मूव करते हैं, तो उनके जो पैर रहते हैं, अगर आप पैर समझिएगा, एक तरफ उठता है एक तरफ धंसता है, तो उसको वैडलिंग कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वैडलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेंगुइन्स यूज देयर विंग्स टू, पेंगुइन्स जो है अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हैं क्यों, ताकि फ्लाई कर सके, भाई वो उड़ ही नहीं सकता, क्या चल सके, नहीं, पैर जो उनके पंख रहते हैं विंग्स जिन्हें कहा जाता है, तो उनसे वो क्या करता है, बैलेंस करता है खुद को ताकि वो सीधा रह सके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला, व्हाट डू पेंगुइन्स, पेंगुइन्स जो है क्या खाते हैं, शार्क, शार्क खा सकते हैं, सोचिए, नहीं खा सकते, भाई सील खा, सील ही खा जाता है मार के, सोचिए पेंगुइन्स को, तो पेंगुइन्स क्या खाएंगे लास्ट में, मछली खाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास है, विच एनिमल, बताइए कौन सा एनिमल जो पेंगुइन्स को खा जाता है, तो भाई क्या हो जाएगा, सील भी खा जाता है, शार्क भी खा जाता है, दोनों ही सही है, तो बोथ ए एंड बी। फिर अगला सवाल है, पेंगुइन्स आर वेरी गुड एट, पेंगुइन्स जो है किसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो लोग किसमें अच्छे हैं, स्विमिंग में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह देखिए आपसे बच्चों का क्लास 11 इंग्लिश का जो पैसेज इंपॉर्टेंट पैसेज था वो मैंने डिस्कस कर दिया, आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को साझा कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।